जो है पहले से ही ये साबित कर दिए हैं उनको बलात्कारी सिद्ध करके। लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे पति का नार्को टेस्ट करा लीजिए, उस महेश का नार्को टेस्ट करा लीजिए, हमें उस लड़की का करा लीजिए। हमें उस लड़की से पूरी सिंपैथी है। उस लड़की के इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल इशू है, हमारे पति को मोहरा बना दिया गया है और जगह जगह आंदोलन हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हमारे पति निर्दोष है। पहले आप लोग जांच करवाइए, पहले से न साबित कर दीजिए कि और बलात्कारी है। उनका राजनीतिक जीवन हो आप लोग पता लगाइए, 15 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोग खाली सम्मान और दूसरे की सेवा में ही अपनी जिंदगी 52 साल के हो गए हैं, इसी में बिता दिए। हमें हमारी भी 2 बेटियां, हम जानते हैं कि बेटियां कैसी होती। आप लोगों की वजह से वो दोनों कमरे में दोनों बंद है, प्रताड़ित हो रही है। एक हमारी बेटी मेडिकल कर रही है, उसके पेपर है। एक IAS की तैयारी कर रही है, वो बिना खाए पिए न कोचिंग जा रही है न वो पढ़ाई कर पा रही है। और हम लोग को मानसिक आप लोग इतना प्रताड़ना कर रहे हैं, हम लोग भी यही जान दे देंगे अगर पूरा हम लोगों का सबूत कुछ आप लोग दिखा नहीं रहे। कोई ऐसी जगह नहीं है जो हम पक्ष के जो सबूत है, जो सच्चाई है, उसको दिया ना गया हो। लेकिन आप लोग खाली एक पक्ष देख रहे हैं। कोई अगर मुंह पे कपड़ा बांध करके और वो बलात्कारी कह दे कि इसने हमारे साथ बलात्कार किया, तो उससे ये सिद्ध नहीं होता। जब तक उसका जब तक आप सबूत नहीं, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए, तो हम मीडिया वालों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि उनको बलात्कारी ना कहे। हमारी दोनों बेटियां हैं। वो देखिए हमारे देवर के ऊपर जो हत्या लगा है वो बिल्कुल गलत है। हमारे देवर कानपुर के लिए निकल चुके थे। ये पप्पू आया जो कट्टा लेके, वो गाली गलौज और आपस में अपने चाचा से और इनसे लड़ाई करने लगा। उसका चाचा हमारे यहाँ रहता है। फिर हमारे यहाँ से फोन गया कि यहाँ लड़ाई हो रही है। वो अतुल सिंह आए यहाँ और इन्होंने बचाव में जनता इनके ऊपर जुट गई। जब इसने कट्टे का फायर किया तो जनता जुट गई, मारपीट करने लगी। और अतुल सिंह आए, पुलिस को फोन किए कि आप ये आया है, आप इसको ले जाइए। उसी में जनता से ज्यादा मारपीट हो गई होगी। लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि अतुल सिंह थे, अतुल सिंह के आदमी ने मारा, ये हम कह रहे हैं। बचाव करने के उसमें अतुल सिंह के आदमी ने भी मारा। आप ये मानती हैं कि अतुल सिंह के लोगों ने पिटाई की? उनके लोग नहीं, जनता ने किया। वो बचाव में अतुल सिंह के जो आदमी थे वो बचाव में हाथ पैर उन्होंने भी चला है। उनका बचाव करते हुए अतुल सिंह ने अपने आदमियों को भी मारा कि छोड़ो, छुड़ाओ जल्दी से। पुलिस को फोन किया, जब तक पुलिस आई तब तक जनता ने उसकी पिटाई कर दी थी। क्योंकि पूरे गांव में पता लगा दीजिए वो कैसा व्यक्ति है। वो किसी की बहन बेटियों को छेड़ना, किसी के घर में चोरी करना, सारे ट्रेन डकैती से लेके बहुत पुराना उसका इतिहास है। इसीलिए वो गांव छोड़ के 2005 में चला गया। समाप्त मीडिया वालों से हाथ जोड़ कर ये चाहते हैं।